अजनी थाना अंतर्गत कुत्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में हाट ठेले पर सब्जी बेचने वाले पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी का नाम विशाल प्रमोद पटले, उम्र 28 साल, भगवान नगर निवासी बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदन नगर निवासी सुरेश नामदेव बोरकर हाट ठेले पर सब्जी बेचकर अपना और परिवार का भरपोषण करते हैं। शाम करीब 7 बजे वह भगवान नगर परिसर में सब्जी बेचने निकले थे। इसी समय विशाल का पालतू कुत्ता उसके घर के सामने ही सड़क पर था। जैसे ही सुरेश अपना हाट ठेला लेकर विशाल के घर के सामने पहुंचे तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। विशाल ने उनसे कहा कि यदि उसके कुत्ते को हाट ठेला जरा भी लगा तो इस रास्ते से आना जाना बंद कर दूंगा। सुरेश नामदेव बोरकर यांच्या भाजीचा व्यवसाय आहे। काल ते भगवान नगर मधून त्यांच्या भाजीचा हाट ठेला घेऊन जात होते। तितक्यात त्यांच्या हाट ठेल्याच्या समोर एक कुत्रा आडवा आला। तेव्हा आरोपी हा तिथलाच राहणार आहे, यांच्या परिचित आहे आणि आरोपीने विशाल प्रमोद पटले यांना त्या कुत्र्याला धडक न लागण्यावर धडकले, याच्यावरून यांच्यामध्ये वाद झाला आणि आरोपीने फिर्यादीचा जो भाजीचा हाट ठेला आहे त्याला ढकलून त्याला पलटून टाकला आणि तिथेच एक लाकडी काठी होती, त्या लाकडी काठीने त्यांनी फिर्यादीला मारून जखमी केलेली आहे आणि त्यांच्या इंजुरी रिपोर्टवरून आणि फिर्यादीवरून आम्ही कलम 324 427 भागीप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करून आरोपीस आम्ही अटक केलेली आहे। मैं तुझे देख लूंगा, सुरेश ने पलट कर जवाब दिया तो विशाल का पारा चढ़ गया। गुस्से में आकर विशाल ने लकड़ी से सुरेश के सिर पर वार कर दिया जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।